कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी एकदम से बढ़िया हूँ। तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मेरी एक नई वीडियो में। सबसे पहले आप सभी देखने वाले बड़े लोगों को मेरा प्यार, बड़ा पलाग और छोटू को ढेर सारा प्यार। तो गाइज आज मैं बात करूंगी यहाँ पे फिर से एक टॉपिक के ऊपर, जिन टॉपिकों के ऊपर मैं पिछले हफ्तों से, पिछले महीनों से बातें करते करते आई हूँ। तो उन्हीं टॉपिकों में से एक टॉपिक के ऊपर मैं फिर से यहाँ पे बातें करूंगी आप सभी के बीच में। जैसे कि मैं किसी की बहुत बड़ी चमची हूँ, किसी की क्या मतलब भागीरथी दीदी और बिष्ट भाई की बहुत बड़ी वाली चमची हूँ। तो चमची होने के नाते जाहिर सी बात है मुझे हर दुख सुख में उनका साथ अब देना ना चाहिए, चमची जब मैं हूँ तो। हो रहा है आजकल आप सभी को जैसे कि पता ही होगा बिष्ट भाई और भागीरथी दीदी के बारे में, मतलब बाप रे बाप, मतलब ऐसे भी लोग होते हैं यार, मतलब मैं भी देखते ही रह गई क्या ये कहूँ। आप भी देख रहे होंगे आज कल से, मतलब जो वीडियो भागीरथी दीदी और बिष्ट भाई बना रहे हैं, जैसे कि मैं रोज वीडियो देखती हूँ तो उन्हीं वीडियो को शायद आप भी देख रहे होंगे, मैं भी देख रही हूँ। तो मतलब खतरनाक के लोग रहते हैं यार दुनिया में, मतलब क्या ही कहें। तो फर्स्ट टाइम तो जैसे कि भागीरथी दीदी को हेल्प की जरूरत थी, पूरी मीडिया के सामने उन्होंने सोशल मीडिया पे अपनी वीडियो डाली। तो एक औरत निकलती है, कहती है मैं आपकी हेल्प करूंगी जिंदगी भर, आप मेरे पास आ जाओ, मैं आपको फुल सपोर्ट करूंगी। और वो ऑलरेडी एक ब्लॉगर होती है, उसने अपने चैनल चलाने के लिए वहां से उनको बुलाया, इनवाइट किया, और उसके पास पता नहीं नंबर कहाँ से आया। आप सभी जान ही गए होंगे, वीडियो को ज्यादा लंबा ना खींचते हुए, बाकी पिछली बात है तो सबको पता ही है। तो कॉन्टेक्ट नंबर लेके फोन किया, फोन करके अपने घर में बुलाया, घर में बुला के आदर खादरी की, बहुत सारे सुख दुख एक दूसरे को शेयर किया। शेयर करने के बाद एकदम से दुश्मनी पैदा हो गई, आप सभी को पता ही है, वो भी कढ़ाई को लेके, कढ़ाई के लिए को लेके दुश्मनी पैदा हो गई, आग लग गई धीरे 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 धीरे। अब आप सभी देख ही रहे होंगे, अब यार लोगों को ला रहे वहां पे बिष्ट भाई को मारने के लिए। मैं नहीं कह रही हूँ, मैं खुद वीडियो में देख रही हूँ यार, आप भी देख रहे होंगे ना। पांच लोग आते हैं, पांच लोग आते हैं बिष्ट भाई को मारने की धमकी देते हैं। सबसे पहले मारने की धमकी तो औरत देती है, वही वाली औरत जो मतलब खूब ज्यादा महान औरत है, और मतलब क्या ही कहें उसके बारे में, जितना बोलूं उतना कम है। वो काशीपुर की है जैसे कि समझ गए होंगे आप लोग। तो महान औरत इतनी अच्छी धमकी देती है, मतलब अगर ये वीडियो यूट्यूब में चले गई ना तो तेरा क्या हाल होगा फिर देखना। तो ये क्लिप तो आप सभी ने देख ली होगी बिष्ट भाई की, उसमें तो जो विवाद हो रखा था सोना को, गोल्ड को लेके, गोल्ड था भागीरथी दीदी का गोल्ड, भागीरथी दीदी काशीपुर आते ही उन्होंने को मतलब शायद कुछ पैसों की जरूरत होगी, उन्होंने अपना गोल्ड बैंक में, गोल्ड बैंक में रखने के लिए गए। तो पीछे से महान जो सपोर्टर औरत बन रखी थी वो आई उसके साथ, भागीरथी दीदी के साथ हर बार सुबह शाम की तरह रह रही थी। तो वो दोस्त ने कहा, बैंक वालों ने कहा कि लोकल की आईडी लगेगी इसमें, इसको मतलब जमा करने के लिए लोकल की आईडी रखेगी गिरवी रखने के लिए। तो लोकल की आईडी तो भागीरथी दीदी के पास नहीं थी, कहाँ से होगी, कहीं और जगहों से उनको बुलाया गया था वहां पे। तो वो वाली महान औरत ने कहा नहीं, मेरी वाली आईडी लगा लो और इनका गोल्ड रखवा दो, ठीक अच्छी बात है। तो रखवाया, तो अब वो गोल्ड नहीं देने की धमकी दे रही थी सरासर धमकी, तेरे को तेरा गोल्ड नहीं मिलेगा, तेरे को तेरा गोल्ड नहीं मिलेगा। फिर ऐसे ही परसों एक दिन अचानक से टपक जाते हैं, वही औरत टपकती है अपने साथ चार या पांच मर्दों को लेके, जो वीडियो में साफ दिखाई दे रहे हैं, कैसे कलर की स्कूटी थे उनके पास, कैसे कितना स्कूटी का नंबर था, कैसे लोग थे, सब कैमरा में कैद ऑलरेडी हो गए हैं। तो होने के बाद औरत धमकी देती है वही काशीपुर वाली कि तेरा गोल्ड तेरे को तब मिलेगा, पहले तू मेरी वीडियो डिलीट कर। वीडियो मतलब भागीरथी दीदी ने डाल रखी थी ना, वो कोई फालतू की वीडियो नहीं थी, जो उनके साथ हो रहा था वहां पे पराए मुल्क में वो उन्होंने अपना सब दिनचर्या अपने डाल रखी थी। तो वो औरत धमकी देती है कि वो वीडियो डिलीट कर तभी मैं तेरा गोल्ड दूंगी, है ना। ऐसी भी औरतें होती हैं देखो, ऐसे मतलब ऐसी धमकी दे दे के भी खाते हैं औरतें, पता है। वरना एक हाउस वाइफ को ना, एक औरत को ना, अपने घर के अलावा, अपने बच्चों के अलावा, अपने बच्चों को संभालने में, घर को संभालने में, अपनी घर गृहस्थी में इतना बिजी रहती है ना वो, आप सभी को पता ही होगा। तो औरत ने दी खतरनाक वाली धमकी कि पहले तू वीडियो डिलीट कर, दुश्मनी खुद उसने पैदा कर रखी थी कढ़ाई को लेके, जो हो रखा था मुद्दा कढ़ाई वाला मुद्दे में, यार वो वीडियो क्यों डिलीट करेगी, उसने कोई फालतू की वीडियो डाल रखी थी ना पहली बात,
फालतू की वीडियो भाग रही थी, दीदी ने नहीं डाल रखी थी, पूरी सोशल मीडिया पब्लिक देख रही है वहां पे वीडियो। वीडियो डिलीट कर, तभी तेरे को तेरा गोल्ड मिलेगा। तो बहुत ज्यादा अनबन हो जाती है अचानक से, मतलब भाई बिष्ट भाई घर में अकेले रहते हैं तो उन पे हमला करने के लिए अचानक से लाती हैं लोगों को। प्लान सक्सेस नहीं होता है वहां पर भी, जब मकान मालकिन आंटी होती है वो बीच में आ जाती है वहां पर। मकान मालकिन आंटी आती है वहां पे और वो समझाती है, क्या बदतमीजी है, अच्छे से बात करो जो भी बात है, ऐसा करके। इतने में ही बिष्ट भाई अपना कैमरा खोल देते हैं। कैमरा खोलते ही वहां पर वो महान औरत बोलती है, अगर तूने ये वीडियो यूट्यूब में डाली तो तेरा क्या हाल होगा। तो गाइज अब मतलब भविष्य में कभी भी कहीं भी अगर उनको कुछ नुकसान हुआ, कुछ भी उनके ऊपर आंच आई रत्ती भर भी, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा बताओ? जो इतना इतनी बड़ी धमकी दे के गई है, मतलब ये नहीं होगी इसके जिम्मेदार उतने काशीपुर शहर में और कौन होगा? अगर उनको कहीं पर भी एक खरोच आई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये वो स्कूटियों का कलर उस वीडियो में सब दिख रहा है, वो बंदों का फेस, वो बंदों का लुक, ये औरत, पूरा वो वीडियो में कैद है। तो बात आती है यहाँ पे धमकी वाली कि तू पहले हमारी वीडियो डिलीट कर, तभी तेरे को तेरा गोल्ड मिलेगा। यार कोई बकवास वाली वीडियो, फालतू वाली वीडियो वहां पे सोशल मीडिया पे भाग रही थी, दीदी ने नहीं डाल रखी थी, जो उनके साथ हो रहा था वो डाल रखा था, वो पराए मुल्क में आ रखे थे, अगर कल के दिन उनके साथ कुछ दुर्घटना हो जाए तो वो वीडियो वहां पे सबूत रहते हैं, एक मेमोरी मतलब सेफ जैसी हो जाती है इंसान की। तो उन्होंने भी यही किया। तो फिर वो औरत, महान औरत, फिर बीच में मेरे से भी बोलती है, मेरे से क्या कहती है, निंजा से भी बोलना वीडियो डिलीट कर। अच्छा तो गाइस आज मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मुझे भी धमकी मिल रही है यहाँ पे कि निंजा से भी बोलना कि वीडियो डिलीट करे। भाई मैं क्यों डिलीट करूँ, तू मुझे बीच में इन्वॉल्व क्यों कर रही है? तू पहली अच्छी खानदानी संस्कारी इज्जतदार औरत होती है ना, तो अपने बिना अपने मर्द से पूछे तू पराए मुल्क से उन दो लोगों को नहीं बुलाती, और तूने बुलाए अपने घर में अपना चैनल चलाने के लिए। तेरा चैनल नहीं चला, तेरे व्यूज नहीं बढ़े, तेरा चैनल नहीं चला तो तूने उनके साथ दुश्मनी पैदा कर ली, तेरे व्यूज नहीं आए, है ना, दुश्मनी पैदा कर ली। और मैं जैसे कि उनकी चमची हूँ, उनकी सपोर्टर हूँ, तो तू मेरे पीछे भी पड़ गई। उस दिन तक तू मेरे को अच्छे अच्छे कमेंट करती थी, उसी दिन के बाद जैसे मतलब वो कढ़ाई मोताले मुद्दे को लेके एक वीडियो बनाए, तो मैं भी तेरी उसी दिन से तुरंत दुश्मन बन गई। तो अब इस काशीपुर वाली औरत का कहना है कि निंजा से भी बोलना कि हमारी वीडियो डिलीट कर, मेरी वीडियो डिलीट कर। मैं क्यों करूँ भाई तेरी वीडियो डिलीट? ये बता तूने कैसे कैसे कमेंट किए? मैंने कोई फालतू में वीडियो नहीं बनाए, जैसे तुम लोग मुझे कमेंट कर रहे थे ना उसी तरीके से मैंने वीडियो बनाए। जाहिर सी बात है मैं सब रोज बनाती हूँ, आगे को भी बनाऊंगी, है ना। तो इस औरत ने मेरे को कमेंट किया, जो मैंने वीडियो भी डाल रखी थी गाइस, इसने कहा कि अगर तू अच्छी होती तो खेतों में नहीं जाती, तो खेतों में धक्के खाती है, तेरे घर वाले तुझे आज घर में नहीं रखते हैं, तुझे खेतों में भगा देते हैं, तू इसी लायक है। यार मैंने फिर वीडियो बनाई, मतलब कितनी सफाई दूं गाइस मैं यहाँ पे, आप लोग समझ सकते हो, हम पहाड़ की औरतें हैं यार, पहाड़ की, हम कारोबार में पले बड़े, धूल मिट्टी से पले बड़े इंसान हैं, हमको कोई शर्म नहीं आती है कारोबार करते हुए, ठीक है। मैंने वीडियो बनाई थी पिछली वाली तेरे लिए, तो इसने इस टाइप की मेरे को कमेंट कर रखे थे गाइस। मुझे कोई शर्म नहीं है कारोबार करने में, ना ही मुझे गोबर निकालने में शर्म है, ना ही मुझे भैंस पालने, बकरी, आज तक मैं भैंस पालते पालते आ रखी हूँ यहाँ पर। ओके मैं इतनी बड़े सोशल मीडिया में कह रही हूँ, मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ, भैंस पालते पालते यहाँ पर तक आ रखी हूँ, आज मेरे पास एक आध साल से भैंस नहीं है, तो क्या मैं मतलब कैसे समझाऊ इनको? इसका ये वाला कमेंट था कि ये खेतों में इसको धक्का मार के डालते हैं, ये गोबर फेंकती है, ये इसी लायक है, इसका पति ऐसा है, ये ऐसी है। गाइज मैं वीडियो नहीं बनाती तो कौन बनाता इसके लिए? तो मुझे भी धमकी मतलब ये औरत दे रही है कि निंजा से भी बोल, वो भी वीडियो डिलीट करे। एक बात बता, सोशल मीडिया है ये? कोई भागीरथी दीदी ने तब तक मुझे अपना कॉन्टेक्ट नंबर नहीं दे रखा था जब तक मैंने तेरे लिए वीडियो बनाई, उन्होंने मुझे अपना कॉन्टेक्ट मुझे इंस्टाग्राम में तब ढूंढा जब वो रिकॉर्डिंग वाली बात आई। कौन सी रिकॉर्डिंग? सभी लोग समझ ही गए होंगे कि ये रिकॉर्डिंग डाल दे डाल दे, मैंने बोला भी था वो वीडियो में। तब उसे मेरे पास कॉन्टेक्ट नंबर था, उससे पहले पास ना मेरा कॉन्टेक्ट नंबर था ना मेरे पास उनका कोई कॉन्टेक्ट नंबर था। क्यों कहेंगे वो मेरे से, तू खुशी के लिए वीडियो बना, पुष्पा देवी के लिए वीडियो बना, क्यों कहेंगे? मैं तो हर किसी इंसान के लिए वीडियो बनाती हूँ, हम लोग तो सोशल मीडिया वाले क्रिएटर हैं,
हम लोग तो क्रिएटर हैं सोशल मीडिया में, जो जैसा तमाशा करेगा हमारा फर्ज है वीडियो बनाने का। नहीं करती ऐसा तमाशा, खुद तूने अपने हाथों से अपनी बदनामी कर रखी है, नहीं कर रखी है बता। आज तू इतनी बड़ी धमकी दे रही है बिष्ट भाई को, उसका कॉलर पकड़ के लड़कों को ला रही है मारने के लिए। मतलब अगर उनको कुछ भी हो जाए, आज मैं भी सोशल मीडिया में बोल रही हूँ यहाँ पे गाइज, अगर उनको कुछ भी हो जाए, भागीरथी दीदी हो या बिष्ट भाई हो, उतने काशीपुर शहर में उनका कोई दुश्मन नहीं है। बाकी आप समझ ही जाओ, अगर कुछ हो जाए तो उनका कौन दुश्मन है। तो गाइज ऐसे ऐसे लोग भी रहते हैं, ऐसी औरतों को देखते देखते ना हमको भी समझने को मिलता है कि यार बाप रे ऐसी औरत भी होती है। बताओ कैसे हाथ धोकर पड़ रखी है यार, मतलब यार कुछ काम करके खा ले, और वो खुद बोलती है मेरा पति मैनेजर है। तो मैनेजर ऐसी हरकतें करते हैं गाइज, आप सभी ने वीडियो देखी होगी, क्या मैनेजर ऐसी हरकतें करते हैं? मैनेजर से तो अच्छे से रहते ना, मैनेजर से तो अपनी बीबी को बोलते ना पहले ऐसा मत कर। कितनी चालाकी है मैनेजर की बीवी खुद कर रही है, ये बताओ। कितना खेल, कितना षड्यंत्र ये मैनेजर की बीवी रच रही है। इसके लिए तो चुटकी भर का जैसे काम बन गया है इंसानों को मारने का, धमकी देने का। मुझे भी यहाँ पे धमकी मिल गई, अब जैसे बोलो वीडियो डिलीट करे। भाई मैं क्यों वीडियो डिलीट करूंगी, तू नहीं करती मुझे ऐसा कमेंट, ढंग से बोलती, अपनी जुबान संभाल ले, अपने घर गृहस्थी में ध्यान दे तू, ठीक है? ऐसे वीडियो बनाने वाले काम ही मत कर, मैं तेरे लिए क्यों वीडियो बनाती? जब तू मुझे गाली नहीं देती कमेंटों में, खेतों में धक्के दे देते हैं, गोबर निकालते, मुझे कोई शर्म नहीं आती रे कारोबार करने में। हम कारोबार में ही पले बड़े इंसान हैं, हम तुम्हारी तरह फालतू नहीं है, लोग तुम्हारी तरह नहीं है। पहाड़ की औरतें लोगों को धमकियां दे देकर अपने घर बुला बुला कर उनको लूट के खाना सीखना हमने नहीं सीख रखा है, उनका गोल्ड छीन के उनको धमकी दे के खाना हमने नहीं सीख रखा है, और दूसरे औरतों को मारना उनके लिए क्या जो किया जाए, कैसे जो मरे, ऐसा काम हमने नहीं सीख रखा है। हमने तो नॉर्मल सा काम, अपना कारोबार करो, अपने खेती बाड़ी में मस्त रहो, व्यस्त रहो, हो सके तो मैं खुद अपनी ब्लॉग बनाती हूँ। अब बीच में जब तुम जैसे ऐसे महान औरतें टपकती है तो मैं मजबूर हो जाती हूँ वीडियो बनाने के लिए, क्या करूं बताओ। आज की छोटी मोटी वीडियो मेरी इतनी सी ही है, ये औरत मुझे भी धमकी दे रही है कि निंजा से भी बोलो वीडियो डिलीट करो करके। तो तभी मैंने यहाँ पे ये वीडियो बनाई, और जिस तरीके से ये मारने के लिए वहां पे लोगों को लाई, वो वीडियो देख के ना मैं भी हैरान हो गई थी, सभी लोग हैरान है, कैसी औरत है यार तू, बाप रे बाप, हिम्मत कहाँ से आ जाती है तुझे इतनी बड़ी है। तेरा घर में कुछ काम नहीं रहता है बता, तो तेरा हस्बैंड तुझे कुछ नहीं कहता है बता। बाप रे तू तो मतलब तेरा तो, तू तो बॉस जैसी लग रही है, जैसे कि वो नहीं होता गुंडे उंडे, उनके बॉस जैसी लग रही है तू, वो ऐसी एक्टिंग कर दे रही है जो फिल्मों में हम देखते हैं। मैं तो तुझे देख के आ दंग रह गई। ये वीडियो अगर यूट्यूब में चले गया मैं क्या हाल करूंगी तुझे पता भी नहीं होगा। अब लास्ट में मैं फिर से बोल रही हूँ, अगर उनको रत्ती भर भी कुछ भी हुआ, फिरोज भी आई काशीपुर शहर में, उसकी जिम्मेदार तू रहेगी। ओके तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं जल्दी ही न्यू वीडियो में, तब तक के लिए यहाँ पर आ जाएंगे बहुत सारे कमेंट, नेगेटिव सोच वालों की भी, अब जो इसके सपोर्टर होंगे उनके भी अलग अलग आइडियो से कमेंट आएंगे, तो मुझे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता है। आप कमेंट तो ना दन करते रहो, मुझे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता है, मेरा बाल है ना बाल भी नहीं हिलता है। मैं जिसको देती हूँ करारा जवाब देती हूँ, जो मेरे खिलाफ उल्टा सुल्टा बोलता है मैं उसी के लिए वीडियो बनाती हूँ, बाकी मुझे कोई शौक नहीं है। ओके हमारा घर का ऑलरेडी बहुत काम है, हम गोबर निकालने वाले औरतें हैं, खेतों में जाने वाले धक्के खाने वाले औरतें हैं, आजकल खेतों में गुड़ाई भी हो रही है, जल्द ही आप सभी के लिए गुड़ाई वाली वीडियो भी लेके आऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय, जय देव भूमि उत्तराखंड पहला।